हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको घर पर ही सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बड़े कैसे बनते वो मैं बताऊंगी। और ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं, और ये अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी होते हैं। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। इस कटोरी से हमने एक कटोरी उड़द की दाल और एक कटोरी मूंग की दाल ली थी। इसे हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था, और ये अपने साइज से बिल्कुल डबल हो चुका है, मतलब कि हमारा अच्छे से ये फूल चुका है। इसकी पानी को हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसकी पानी को हमने हटा दिया है, अब इसे हम मिक्सर में ट्रांसफर कर लेंगे। मिक्सर में हमने इसे ट्रांसफर कर लिया, इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम दो बैचेस में पीस लेंगे। एक बैचेस को हमने इसे इस तरह पीस लिए हैं, दूसरी बैच भी हम पीस लेंगे। इसे एक बॉल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। दूसरी बैचेस भी हमने पीस लिए हैं, इसी बॉल में हम इसे भी ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसे हम एक ही डायरेक्शन में 7 से 8 मिनट इसे हम फेटेंगे ताकि एयर भर जाए इसमें। ये काफी हल्की भी हो चुकी है, इससे देखने में ही पता चल रहा होगा आपको, ये काफी हल्की भी हो चुकी है। ये राइट स्टेज है या नहीं इसे हम चेक कर लेंगे। पानी से भरा बॉल लेंगे, इसके थोड़े से पोर्शन को हम पानी में चेक करेंगे। ये पानी में ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा ये मिक्सर अच्छे से फैटा चुका है। एक छोटी चम्मच हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है, एक छोटी चम्मच काला नमक, एक छोटी चम्मच हमने व्हाइट नमक लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह मिला लिया, इसे अब हम तेल में छान लेंगे। तेल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब इसे छोटे छोटे साइज में, आप चाहे तो इसे बड़े साइज में भी बड़े बना सकते हैं, या फिर छोटे साइज में बना सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। आप छोटे खासा खाएं या फिर बड़े, उसी अनुसार में छोटे साइज या बड़े साइज में डालें। इसे हम पलट लेंगे, सारे पीसेस को इसी तरह पलट देंगे। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये हमारे बड़े कितने स्पॉन्जी बन के तैयार हुए आप देख सकते हो। सारे बड़े को हमने तल लिए हैं। ये ऊपर से एकदम क्रंची, अंदर से ये एकदम सॉफ्ट है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बड़े हमारे एकदम सॉफ्ट बने हैं। बॉल में हमने पानी ले लिया है, पानी में इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। पांच मिनट तक इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दही को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। दही को हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसे हम पानी से निकालकर एक प्लेट में रखेंगे।
इसे प्लेट में निकाल लिया, इसमें दही डाल देंगे। भुना हुआ जीरा, जीरे को हमने तवे पे फ्राई कर लिया था। ये भुना हुआ धनिया, ये भुनी हुई लाल मिर्च, अब इसमें हम थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे। ये इमली चटनी डालेंगे, खट्टी इमली चटनी। ये काला नमक। ये हमारे बड़े सर्व के लिए तैयार है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।